तो देखो, इससे पहले हम लोग का जो लेक्चर था, ठीक है, वो किस पे हुआ था हमारा? पॉल्यूशन पे और उसके टाइप्स पे। ठीक है, हमने तो पॉल्यूशन जान लिया क्या होता है, फिर उसके टाइप्स हमने जाने थे, ठीक है, उसके इफेक्ट्स भी थोड़े बहुत हमने जान लिए थे कि जिसका उस पॉल्यूशन के, उस प्रदूषण से हमें क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है, और उसके सोर्सेस भी क्या थे, हमने ये भी पढ़ लिए थे क्या? ठीक है, किस उसके जो सोर्सेस हैं, कैसे कैसे वो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, ठीक। अब हम एक ही एक एक करके जो उसके टाइप्स हैं पॉल्यूशन के, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। आप तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एयर पॉल्यूशन, ठीक, तो सबसे पहले हम एयर के बारे में जानेंगे, एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन के सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एयर क्या होता है। हमने इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर एक बार और हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखो, इंट्रोडक्शन है एयर पोल्यूशन का, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा इसमें, एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ इटसेल्फ, यानी कि खुद के लिए क्या, एक एयर बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है, ठीक है, जरूरत वाली है चीज है, ठीक है। विदाउट इट वी कुड सर्वाइव ओनली ए फ्यू मिनट्स, यानी कि अगर हम, अगर ये नहीं रहा तो हम इस, अगर अगर ये एयर हमारे पास या हमारे चारों तरफ नहीं रही तो क्या होगा, उस हम कुछ मिनट्स के लिए ही सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं, वरना हम क्या हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी, हम मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इट कंस्टिट्यूट द इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारा फिजिकली, यानी जो हम अभी बात कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज जो हो रहा है, ये क्या है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। कहाँ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जहाँ पे हम लोग ऐसी चीजें जहाँ पे क्या है, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट बना रहा है, किसका, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जो क्या हो, जिनकी लाइफ हो, ठीक है। वो क्या करता है, इसको कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि उसमें कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कि हमारा उसको क्रिएट करना, किसी चीज को अपने अंदर लेना, ठीक है। तो क्या करता है एयर, क्या करता है हमारा एक फिजिकल इन्वायरमेंट बनाता है, किसका, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो हमारा एयर है वो हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर ये नहीं रहा तो हम कुछ देर तक जिएंगे, फिर उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि ये क्या करता है, हमारा एक फिजिकल इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है, एक भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण पढ़ाया था ना, वही है कि भौतिक पर्यावरण, यानी फिजिकली जो हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनके अंदर जान है, वो चीज वो क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, वो कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि उसके अंदर वो लेता है अपने अंदर, ठीक है, उसी चीज को लेगा, बाकी किसी चीज को नहीं लेगा, ठीक। फिर क्या हमारा, द एटमोसफियर इज लेयर इन टू फोर डिस्टिंक्ट विच आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, यानी कि जो हमारा एटमोसफियर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो चार लेयरों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला हमारा है ट्रोपोस्फियर, दूसरा हमारा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा हमारा मेसोस्फियर और चौथा हमारा थर्मोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इस पे हम ट्रोपोस्फियर पे, स्ट्रेटोस्फियर पे, मेसोस्फियर पे हम अगर फर्द अगर आगे रहा तो बताएंगे, नहीं हो रहा तो हम उसको, हम अच्छे से आपको, अगर आपको अच्छे से देखना है तो हम, मैंने उस पर पढ़ाया हुआ है, किस पे, वीडियो में, ठीक है, यूट्यूब पे जो वीडियो आपकी डाउनलोड हो रही है, अपलोड हो रही है, ठीक, उसमें मैंने ये चारों लेयर के बारे में बताया, कितना किलोमीटर वो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर उसके बाद कितने किलोमीटर पे हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है हमारा, फिर उसके बाद कितना हमारा मेसोस्फीयर होता है हमारा, उसके बाद कितना हमारा थर्मोस्फीयर होता है या एग्जोस्फीयर होता है, ठीक है, ये सब मैंने उस पर पढ़ाया हुआ है, कितने कितने किलोमीटर। लेकिन ये अभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, अभी हम पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम इतना सिर्फ जान सकते हैं कि एटमोसफियर को सिर्फ चार लेयर में बांटा गया है, ठीक है, वो कौन कौन सी लेयर है हमारा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर,
ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर को डिफाइन करने, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिफाइन करने के लिए अगर हम एग्जाम लेंगे या कभी भी लेंगे तो हम ये जरूर पूछेंगे कि लेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिफाइन करिए या उसके बारे में लिखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, अभी जब ये एग्जाम हो रहा था तभी उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर को चार लेयर में बांटा गया, वो कौन कौन से, हमारी ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है और थर्मोस्फियर है। ठीक है, हाँ, ये जनरली इंट्रोडक्शन है एयर का, ठीक है, एयर का है, सिर्फ एयर का है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है हमारी वो एयर का एक क्या है, एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा सामान्य घटक जो है हमारे एटमॉस्फेयर का वो कौन कौन से है? जैसे हमारा नाइट्रोजन, हमारे जो एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन वो कितनी प्रेजेंट होती है, 78.1%, जानते ही सब जानते हो कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो 78.1% हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन 20.9%, ठीक, ऑक्सीजन हमारा सिर्फ 20.9% ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा एवरीथिंग एल्स, यानी कि उसके बाद जो गैस होती है, ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब जो सारी गैसेज हैं वो सब क्या है 0.07% ही प्रेजेंट होती है, कम कम मात्राओं में होती है। ठीक है, जैसे एवरीथिंग एल्स में क्या क्या होगा, नोबल गैसेस, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, एरॉन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, ये सब होती हैं 0.07%। ठीक, फिर क्या हमारा मिथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, छोटी मोटी गैसेज हैं जो क्या होती है 0.07% इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक, ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक, हो सकता है अगर अगर आपको जान अगर ये एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में, क्या पता हम ही दे दें। ठीक है, ये नॉर्मली है। ठीक, अब हम आते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ गैसेस, यानी कि एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, ठीक, लिक्विड इन सेंस जो मॉइस्चर होते हैं, ठीक, वो फिर क्या हमारा सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन हाई इनफ लेवल टू हार्म ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिज्म और मटेरियल, यानी कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन कब होता है, जब कुछ उसके ऐसे पार्टिकल्स यानी जिसके क्या हो, गैसियस के फॉर्म में कुछ हार्मफुल हो, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत ज्यादा मीथेन हो गए, ये सब क्या हो गए, गैसेस हो गए, लिक्विड हो गया, जैसे कि हमारा कोई एसिड रेन हो गया, ठीक है, उसके मॉइस्चर हो गए, ठीक है, ये सब क्या है हमारे लिए लिक्विड हो गए एयर पॉल्यूशन के। फिर सॉलिड पार्टिकल्स देखे होंगे, जैसे कार्बन कभी कभी देखे होंगे तो कभी कहीं आग लग जाती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं, ठीक है, जैसे गर्दा होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है धीरे धीरे एकदम महीन महीन पार्टिकल जो होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं उसके अंदर वो हमेशा उड़ते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उस वो क्या करता है हमारे जो अपने लेवल को, यानी कि अपना जो उसका मात्रा होता है, जितने भी मात्रा होगा उसको क्या करेगा, बढ़ाता है, जिससे वो क्या करता है, वो हमारे ह्यूमन को यानी मनुष्य को, कोई ऑर्गेनिज्म को, कोई जंतु को और कोई भी मटेरियल को क्या करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं हम लोग, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण। ठीक, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण एक गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, जो कहाँ पे होता है हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। ठीक, जब वो अपने लेवल को हाई करता है तो क्या करता है हमारा जो हार्म, वो क्या करता है हमें नुकसान पहुंचाता है, किसको किसको, मनुष्य को, जीव जंतु को और मटेरियल को यानी पदार्थ को। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमें सिर्फ मनुष्य को ही वो करता है, ठीक है, बहुत लोगों को भी, मतलब जैसे और ऑर्गेनिज्म को भी, जैसे हमारे जीव जंतु उनको भी करता है। ठीक है, और फिर हमारा मटेरियल यानी कोई पदार्थ है, अगर वायु के संपर्क में आएगा, अगर वो पॉल्यूटेड वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो रंग है जाएगा। ठीक है, जैसे एसिड रेन है, ठीक, एसिड रेन किसकी वजह से होता है, वो सब गैसेस की वजह से होता है। ठीक, वही गैसेस क्या करती हैं, अगर उसके ऊपर पड़ती हैं तो क्या मटेरियल्स के रंग को क्या करती हैं, खराब करती हैं। ठीक है, फिर क्या है, उसी के बाद क्या है, may be defined as any atmospheric condition in which the certain substances are present in such a concentration
दैट दे कैन बी प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन मैन एंड हिज एटमोसफियर। यानी कि जो हमारा एटमोसफेरिक होता है, ठीक है, जो हमारा एटमोसफेयर है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक, वही हानिकारक की जब मात्रा क्या होती है, जब कंसंट्रेशन यानी उसकी जो मात्रा है, उसकी जो वैल्यू है, जब उसकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, तो वही क्या करने लगते हैं हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे कि चिमनी से धुआं निकल रहा है, ठीक, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, देखोगे कभी कभी हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग रोड पे चल रहे हैं, ठीक, तो वो धुआं जो निकलता है तो वो क्या हो, कभी कभी हमें हम इतना इतना निकलता है नॉर्मल कि हम उसको इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे लिए उतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, वो इनहेल करना, वो उसको सांस लेने में, ठीक, लेकिन फिर भी क्या है कि हम उसको झेल सकते हैं आराम से। लेकिन अगर जाओ, अगर कहीं इंडस्ट्रीज में जाओगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा धुआं वाली इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, वो क्या करेगा कि बहुत तेजी से अगर, तो वहां पे क्या होगा, तुम्हारा दम घुटने लगेगा, ठीक है, तुम्हारे आंख में इरिटेशन होने लगेगी। तो वो क्या होता है, वो क्या धीरे धीरे अपना जो जैसे जैसे लेवल को अपने वो करता है, अपने अपने लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है और हमारे ऊपर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे जैसे धुआं तेज होगा, जैसे जैसे उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे जैसे उसके अंदर मीथेन की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, घुटन होगी कि जल्दी से हम इसमें से निकल जाए। ठीक, यही चीज है इसमें डिफाइन कर रहा है कि एटमॉस्फेयर में कुछ तो पार्टिकल ऐसे पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है, वो क्या कर जाते हैं, पूरा अफेक्ट कर देते हैं, कर जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मतलब हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमारे पृथ्वी पे क्या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि जिसके वजह से जो हमारी शुद्ध एयर अभी भी है, ठीक है, और ये प्योर होती रहती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हम बचे हुए हैं, वरना आप इतना धुआं हो चुका है, आजकल इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, किसको पता है ना जाने कितने करोड़ों की आबादी है, अरबों लाखों की आबादी है पूरी दुनिया की, लेकिन फिर भी क्या है, एक डिजायर वैल्यू है कि इस हिसाब से क्या हो रहा है, धीरे धीरे आदमी जी रहा है, चल रहा है, इतने धुएं निकल रहे हैं, इतने इंडस्ट्रीज बनी हुई है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसमें से क्या इतने सारे धुएं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो अर्थ है वो क्या हुआ, अभी फिलहाल बचा हुआ है। लेकिन क्या है, इसका इफेक्ट अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारी जो ओजोन की लेयर है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। वो ओजोन की लेयर क्या होती है, हमारे जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो क्या होती है, हमारे अर्थ पे आती है। ठीक, वो अर्थ पे अगर आएंगी, तो अगर डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक करेंगे, हमें कैंसर होगी, स्किन प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बहुत तेज जलन होगी, आईज इरिटेशन होगा, आंख में आंख खुजलाएगा बहुत ज्यादा, यही होते आई इरिटेशन। ठीक है, ये सब क्या होगी, बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी भी हमारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो क्या कहते हैं, जो हमारे अर्थ को बचा के रखी हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, एनी विजिबल और इनविजिबल पार्टिकल्स और गैसेस found in the air that is not part of the original normal composition। यानी कि कुछ ऐसे गैसेज हैं जो क्या हमें दिखाई देती हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जो गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक तरह का वो क्या है, एक ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक, यानी कि एक वास्तविक में वो हैं और एक नॉर्मल कंपोजिशन में, यानी कि उनका एक सामान्य क्या एक तरह का उनका कंपोजिशन है, यानी कि वो किसी चीज से मिलके बने हुए। ठीक है, कुछ चीजें तो हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, वो क्या है, एक तरह का गैस के अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक, वो भी क्या करते हैं, हमें धीरे धीरे एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। ठीक, तो एयर पॉल्यूटेंट मे बी आइदर, फर्स्ट पॉइंट है, एयर पॉल्यूटेंट्स मे बी आइदर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर और फॉर्म विद इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। यानी कि जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जो भी ऐसे चीजें जो क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एयर पॉल्यूटेंट। जैसे हमारा गैसेस हो गई, कोई लिक्विड हो गया, ठीक है, कोई सॉलिड हो गया, वो क्या करेगा, हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा। वो क्या करती है, इमिट करती है कहाँ पे, हमारे
एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं और खुद से ही एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है हमारा, पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाता है, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, लिखने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। अभी एयर पॉल्यूशन हमने कुछ अलग बताया, एयर अभी तक एयर पॉल्यूशन हमने कुछ अलग बताया, ठीक। तो क्या एयर पॉल्यूशन क्या है? अगर एयर पॉल्यूशन के अंदर ऐसी चीजें जो हमारे गैसेस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो और सॉलिड फॉर्म में, वो क्या करेंगी, ऐसी पॉल्यूटेंट जो क्या करेंगी हमारे एयर को पॉल्यूट करेंगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एयर पॉल्यूशन। अब ये क्या है हमारा, ऐसे एयर पॉल्यूटेंट जो क्या करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे, ठीक, वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, खुद से ही अपने आप को पॉल्यूट करेगा, फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिफरेंस आया ना दो चीज, दो डेफिनेशंस में, ठीक है। अब देखो हमारा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं हमारे, जो प्राइमरी यानी इजिली से हमें कहीं ना कहीं से हमारा एयर पॉल्यूट हो ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, सोर्सेस सच एज फैक्ट्री चिमनीज, ठीक, और एग्जॉस्टेड पाइप, यानी कि ऐसे चीजें, ऐसी सोर्स यानी कि ऐसा सूत्र जहां से क्या फैक्ट्री की जो चिमनियां हैं, ठीक, वो क्या करती है डायरेक्ट हम लोग एटमोसफेयर में तो छोड़ते हैं, ऐसा तो है ना कि हम लोग गाँव इलाके में छोड़ देते हैं हवा जो उसकी, वो कहते हैं गैस, जो इंडस्ट्रीज की जो धुआं है, उद्योगों के जो क्या है चिमनियां हैं, ठीक है, वो क्या होती है वहां पे ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर की ओर छोड़ देते हैं, ठीक। ये एग्जॉटेड पाइप हो गया, एग्जॉटेड पाइप का मतलब कुछ भी ऐसे ही चीजें हो, जैसे कोई भी गैस हुई, ठीक, जैसे हमारा टॉयलेट वाला गैस होता है, या कोई भी हमारा सीवर वाला गैस वाला पाइप होता है, ये सब क्या होता है हम लोग सिर्फ ऐसे एग्जॉट पाइप में छोड़ देते हैं, वो क्या हो रहा है जो वो सब भी क्या करते हैं हमारे एयर को पॉल्यूट होने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा पहला एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। अब दूसरा आता है एयर पॉल्यूटेंट सेकेंडरी, दूसरा, तो उसमें क्या हमारा ओजोन, ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओजोन क्या, अगर जैसे जैसे हमारी मीथेन गैसेस या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा ओजोन की जो लेयर है वो क्या होगा, धीरे धीरे उस ओजोन को लेयर को छेद करेगी, वो ओजोन लेयर अगर छेद होगी तो उसमें क्या होगा हमारा यूवी रेडिएशन होगा, यानी अल्ट्रा वायलेट रे डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आएगी, तो उससे क्या होगा हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, ठीक है। आप देखो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि जो हमारा प्रथम एयर पॉल्यूटेंट था, ठीक है, ऐसे एयर पॉल्यूटेंट जो क्या करे एयर को प्रदूषित करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग एयर पॉल्यूटेंट, ठीक। तो वो क्या है हमारा, कितना कितना सोर्सेज आते हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हमारा की व्हीकल चल रहा है, वाहन चला रहे हैं, ठीक है, कोई भी वाहन चल रहा है, ठीक, तो उससे हमारा कितना परसेंट होता है हमारा 75% उससे क्या होता है एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है, 75% हमारा एयर पॉल्यूटेंट वहां से निकलता है, ठीक। फिर क्या हमारा नेक्स्ट, फ्यूल कंबशन एक्सेप्टेड इन व्हीकल, यानी कि फ्यूल कंबशन यानी कि कोई भी तेल ओल हो गया, ठीक है, वो क्या उसको हम क्या करते हैं, कोई भी ईंधन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग जलाते हैं, ठीक है, या जैसे कि हमने कोई भी, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, ठीक है, फिर डीजल हो गया, ठीक, केरोसिन हो गया, ये सब से जितने भी जैसे कोल हो गया, ये सब क्या अगर हम उससे जलाते हैं तो उससे कितना परसेंट हमारा एयर पॉल्यूटेंट निकलता है, 21% हमारा एयर पॉल्यूटेंट वहां से निकलता है, ठीक है। फिर क्या हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हमारा 12% हमारा क्या निकलता है, हमारा एयर पॉल्यूटेंट निकलता है। सबसे ज्यादा किससे निकल रहा है यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है, जो भी धुआएं निकलती हैं उसमें से, ठीक, गाड़ियों में से, ट्रक में से, कार में से, ठीक है, वो क्या करते हैं बहुत ज्यादा एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक, क्योंकि जितने जैसे जैसे जनरेशन हो रही है वैसे वैसे उनकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वो भी क्या होगा एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मिसलेनियस में क्या है हमारा 10%, यानी कुछ और अदर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा ओजोन का लेयर का डिप्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, या खुद के घर से हो गया, ठीक, कुछ जला रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो जलाना है कंबशन इन सेंस कि अगर बहुत ज्यादा जैसे फैक्ट्रिया, जैसे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जलाने वाले की बात हो रही है, ना कि ये जैसे हम आग लगाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये सब नहीं हो रहा है, वो सब तो मिसलेनियस हो गया, यानी छोटे मोटे तो धुएं निकलते ही हमारे घर, ये फ्यूल कंबशन का मीन्स की ईंधन को जलाने का मीन्स बहुत ज्यादा, जैसे डिफॉरेस्ट, जैसे आग का हो गया, फायर हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो गया, ये सब क्या है जंगलों में आग लग गई, ये सब के जो धुएं हैं वो सबसे हो गया,
बहुत बड़ी मात्रा में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूल कंबस्टर। उसमें से कितने परसेंट हमारे, 21% क्या होता है हमारा फ्यूल, जो सॉरी एयर पॉल्यूटेंट निकलते हैं। आप जो आ रहे हैं वो क्या है हमारा मेन सोर्सेस है, ठीक है, मेन सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि किस किस सूत्र के द्वारा हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मोटर व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन थ्रू आउट द अर्बन एरिया, यानी जो भी हमारा अर्बन एरिया है, यानी ऐसी एरिया जहाँ पे पूरी तरह से पॉपुलेशन पूरी तरह है, ठीक है, अर्बन उसको एरिया बोलते हैं, जो एरिया जैसे जहाँ पे क्या एक स्मार्ट सिटी होती है, जहाँ पे हर चीज हो, ठीक है, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, ठीक है, ये सब क्या है हमारा एक अर्बन एरिया होता है। ठीक है, सॉरी, तो क्या है मोटर व्हीकल्स, जितने भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मोटर वाले वाहन हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मेजर सोर्स होते हैं, बहुत बड़ा सोर्स होता है किसके लिए हमारा, एयर पॉल्यूशन के लिए, ठीक, क्योंकि जो डीजल से बर्न होकर धुआं निकलता है, केरोसिन से, पेट्रोलियम से, ठीक, ये सबसे क्या हो रहा है, जो हमारा धुआं निकल रहा है, ठीक, वो क्या होता है हमारा बहुत ज्यादा मेन सोर्स होता है किसका, एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है दे इमिट द हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ऐसे कार्बन जिसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन की एक मात्रा होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, CO, ठीक है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब किससे बनता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर लेड हो गया, ठीक है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या होता है बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक, और पार्टिकल्स मैटर्स यानी और भी कुछ अगर निकल रहा है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बनना है, तो ये सब भी क्या होता है ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है, ये सब क्या होता है हमारे लिए एयर पॉल्यूशन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, इन ए स्ट्रॉन्ग सनलाइट सर्टेन ऑफ देयर हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मे बी कन्वर्टेड इन द एटमोसफेयर इन टू फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि अगर बहुत तेजी से अगर क्या है हमारा बहुत तेज धूप निकली है, ठीक, तो वो क्या करते हैं जो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं हमारा फोटो, जब एटमोसफेयर में आते हैं, ठीक, तो वो क्या किसमें हो जाते हैं हमारे फोटो केमिकल में, ठीक है, फोटो में सनलाइट केमिकल्स मीन्स ये जो हमारे हाइड्रोकार्बन है और क्या है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे फोटो केमिकल पॉल्यूटेंट में, ठीक, वो क्या करते हैं हमारे जो नेचर है उसको क्या करते हैं हमारे पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हमारे नेचर को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक, बहुत तेज धूप रहती है तो क्या होता है हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है जो और आयरन के सॉरी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जब नाइट्रोजन किसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है ऑक्साइड्स बनाएगा, ठीक, तो वो क्या होता है जब एटमोसफेयर में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं हमारे फोटो केमिकल पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट जो क्या सन के द्वारा बनाए हुए हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं हमारे ऑक्सीडाइज करते क्या हमारे नेचर को, यानी कि हमारे नेचर को यानी कि जो हमारा प्राकृतिक है उसको क्या करते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है, फिर हमारा इन एडिशन डीजल इंजन व्हेन मिसयूज्ड और बैडली एडजस्ट आर कैपेबल ऑफ एमिट ब्लैक स्मोक एंड मलोडोरस फ्यूम्स एंड फ्यूम्स, ठीक है, ये क्या है अगर डीजल इंजन से अगर ऐसे चीजें जो क्या हो जो डीजल से चलते होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे बहुत ज्यादा क्या अगर बहुत ज्यादा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बुरी तरीके से पूरी तरह से हम अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करते हैं एक काला धुआं निकालते हैं, यानी कभी भी देखोगे डीजल में तो डीजल वाले जब क्या होते हैं ऑटो तो चलती है, ठीक है, तो उसमें क्या बहुत तेजी से क्या एक ब्लैक स्मोक निकलता है, काला धुआं निकलता है और क्या मलोदरस यानी कि वो जब क्या होता है बहुत ज्यादा अगर होता है तो एक काला काला उसकी तरह देखे होगे पीछे उसमें से निकलता होगा, देखे होगे तुम लोग ऑटो, ऑटो वाला होता है ऑटो वाले के जाके पीछे देखना तो उसके एक क्या हो एक कीचड़ की तरह मलोदरस की तरह वो निकलता है उसको क्या बोलते हैं मलोदरस, ठीक है, फिर होता है फ्यूम जो ऐसी गैसेज जो क्या हो जाती है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है उसको बोलते हैं फ्यूम, ठीक है, बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत क्या होती है हार्मफुल होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग फ्यूम्स,
ठीक यही होता है। अगर बहुत ज्यादा हम डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ब्लैक धुआं निकलेगा, और उदास यानी जो जो उसका कीचड़ निकलता है वो निकले, और फ्यूम जो ऐसी गैसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगी, वो सब क्या होगी हमारे लिए, हमारे लिए एयर को क्या करेंगे, हमारे लिए पॉल्यूट करेंगे, किसके थ्रू, हमारे ऑटोमोबाइल्स के थ्रू। ठीक है, हम आते हैं इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, तो पहला है हमारा कंबशन ऑफ फ्यूल टू जनरेट हीट एंड पावर प्रोड्यूस स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्लाई ऐश। यानी कि जब भी हम ईंधन को जलाएंगे, ठीक है, किसके लिए, अपने हीट और पावर को जनरेट करें, यानी कि किसी भी चीज को, जैसे इससे पहले हम लोग, सॉरी तुम लोग नहीं गए थे, सिविल वाले जब गए थे, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, सिविल वाले गए थे तो वहां पे गोबर गैस से क्या हो रहा था, वहां पे क्या हीट जनरेट की जा रही थी, पावर जनरेट किया जा रहा था। ठीक है, तो वो क्या था, एक तरह का ईंधन था, क्या उसको जला के क्या हीट उत्पन्न किया जा रहा था, और पावर यानी बल का इस्तेमाल करके वो क्या मशीनें चल रही थी, उससे लाइटें जल रही थी उससे। ठीक है, तो ये क्या है, वही वही चीज लिखा है, कंबशन ऑफ फ्यूल टू जनरेट हीट एंड पावर प्रोड्यूस, यानी कि जब भी हम किसी चीज को ईंधन, जब भी हम हीट और पावर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हमें ईंधन को जलाना पड़ेगा। ठीक, जैसे जनरेटर जलाते हो उसमें क्या करते हो, डीजल डालते हो, तो डीजल डालते हो तो क्या उसका जो तो धुआं निकलता है, तो स्मोक तो जाहिर सी बात है वो निकलेगा निकलेगा, इसी तरह इसमें भी है, अगर किसी चीज को भी हम सॉरी ईंधन को जलाएंगे, किसके लिए, अपने हीट के लिए और पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, तो क्या होगा, स्मोक निकलेगा ही निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है उसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलेगा, और फ्लाई ऐश यानी कि जो जलने के बाद उसका कुछ बचेगा वो क्या होगा, फ्लाई ऐश होगा। ठीक है, राख होगा, ठीक, वो तो हो गई। फिर क्या हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जनरेट हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ठीक है, जो पेट्रोकेमिकल है, ठीक, जो क्या है, पेट्रो जो क्या बोले, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ज्यादातर हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती हैं, ठीक, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बनाती हैं, हाइड्रो सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना प्रोड्यूस करती हैं, और क्या बनाती है, ऑर्गेनिक हैलाइड्स। ये सब केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे, हाइड्रोफ्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक हैलाइड क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या करती है, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, ज्यादातर जनरेट करती हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा मेनली इंडस्ट्री डिस्चार्ज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत ज्यादातर जो उद्योग हैं, ठीक, वो क्या करती हैं, डिस्चार्ज यानी छोड़ती हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा छोड़ती हैं, ठीक, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, ओजोन छोड़ती हैं, फिर क्या हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक, फिर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करती हैं, वो लोग क्या करती हैं, ज्यादातर वो छोड़ती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री डिस्चार्ज देयर वेस्ट फ्रॉम द हाई चिमनी एट द हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड, यानी कि जो क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है यानी हमारे जितने भी उद्योग हैं, ठीक है, वो क्या करती है, डिस्चार्ज करती है क्या वेस्ट चीजें, कहाँ से, हमारा बहुत लंबी जो चिमनी होती है, ठीक है, ठीक, जो लंबी चिमनी होती है उससे क्या करती है, डिस्चार्ज करती है वेस्ट को, जितना भी हमारा वेस्ट है, किस पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और कितने हाई स्पीड पे, बहुत ज्यादा स्पीड होगी उनकी। ठीक है, वो क्या होगा, हमारे एयर को क्या करेंगे, हमारे लिए पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक, अब हमारा आता है क्या डोमेस्टिक सोर्स यानी जो घरेलू स्रोत है, ठीक, वो क्या क्या है हमारा, फिर क्या हमारा पहला है डोमेस्टिक कम्बशन ऑफ कोल, यानी कि जब भी हम घरेलू जला कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, ठीक, ऑयल किसी चीज में, ऑयल के कोई भी मिला के क्या करते हैं, हम उसको जलाते हैं, तो वो क्या होता है, वो क्या करेगा, मेजर सोर्सेस ऑफ स्मोक, यानी कि उसमें से धुआं निकलता ही निकलता है, ठीक, डस्ट भी निकलते हैं कुछ, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों चीजें जलाने पे निकलती ही निकलती है। ठीक है, कपड़ा जलता है, कभी कभी उड़ भी जलाते हैं लोग, लकड़ियां जलाते हैं खाना बनाने के लिए, कोयला जलाते हैं खाना बनाने के लिए, सब क्या है, ये सब भी क्या है, एक तरह का क्या हमारे एयर को पोल्यूट करता है। ठीक है, फिर क्या हमारा टोबैको स्मोक, यानी कि जो हमारा टोबैको है, ठीक है,
उसका स्मोक क्या करता है, बहुत ज्यादा उसको भी क्या करता है, धीरे धीरे वो क्या करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही लोग सिगरेट पी रहे हैं या इतने गाँव ही में लोग सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। बहुत ज्यादा लोग सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू, टोबैको क्या बोलते हैं हम लोग, तंबाकू, तंबाकू को जो स्मोक होता है, ठीक है। द मोस्ट डायरेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ मेन पीपुल, यानी कि जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा क्या करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, वुमेन हेल्थ की लिए नुकसान करता है, वो क्या है हमारा डायरेक्टली, क्या है हमारा, टोबैको स्मोक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हम सिगरेट नहीं पी रहे, हमारे सामने वाला सिगरेट पी रहा है तो उसी को सिर्फ होगा, नहीं हमको भी होगा साथ साथ में, क्योंकि उसके साथ हम रह रहे हैं तो वो हमारे साथ भी क्या करेगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। इवन दोज डू नॉट स्मोक मे इनहेल द स्मोक प्रोड्यूस बाई अदर, यानी यही चीज मैंने बोला, वही चीज है कि हमारे हमें जो स्मोक है वो क्या करता है, डायरेक्टली हमें क्या करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक। फिर क्या, ऐसा नहीं है कि हमारा जो सामने वाला जो पी रहा है सिगरेट, वो क्या है, उसी को सिर्फ नुकसान हो रहा होगा, उसके अंदर निकोटीन भरी जा रही हो, भर रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जब वो स्मोक जब वो छोड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भी हम उसको इनहेल कर ले रहे हैं साथ में, अपने सांस के द्वारा हम उसको ले रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस, यानी कि और कुछ अदर हो गया, जैसे कि दिस कंप्रोमाइज बर्निंग रिफ्यूज, ठीक, इंक्लिनेशन, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, नेचुरल सोर्सेज एग्जाम्पल विंड, बॉन्ड डस्ट, फंगी, मोल्ड्स, बैक्टीरिया एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स, ऑल दिस कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। यानी कि जैसे हमारा क्या हुआ, जैसे हमारा बर्निंग रिफ्यूज, यानी कि जितने जो भी हमारा हमने जलाया, ठीक, वो क्या हो गया, बच गया, ठीक। उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे धुआं निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, वो क्या हमारा बर्निंग रिफ्यूज हुआ, उससे भी क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक। इंसलेरेशन यानी कि किसी वेस्ट को अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, ठीक, उसको इंसलेरेशन बोलते हैं, ठीक। वो क्या है, एक क्या वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट है। इंसलेरेशन एक क्या है, इंसलेरेटर होता है, इंसलेरेशन प्रोसेस होता है, ठीक। इंसलेरेशन क्या होता करता है हमारे, तो क्या वो क्या वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, यानी कि ऐसी चीज है जो क्या इजिली क्या हमारे एटमोसफियर में उसको डिकम्पोज, यानी वो खत्म नहीं हो पाती, तो हमको क्या करना पड़ता है, इंसलेरेशन करना, इंसलेटर से हमको इंसलेरेशन करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, जो जले हुए पार्टिकल्स होते हैं उससे भी क्या होता है, धुएं जो निकलते हैं वो सब क्या होगा, हमारे एयर पॉल्यूशन को, एयर को हमारे पोल्यूट करेंगे, ठीक। पेस्टिसाइड स्प्रे हो गया, ठीक, जैसे हम कोई भी क्या हुआ, कोई हमारा क्रॉप है, ठीक है, वो खराब हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, यूरिया वूरिया डालेंगे, उससे क्या होगा, अगर वो अगर बर्न हो गया, यानी कि वो खेत पूरा बर्न हो गया, जल गया, तो क्या होगा, उससे भी जो धुआं पेस्टिसाइड्स के जो धुआं होंगे वो भी क्या करेंगे, उस एयर में मिक्स होंगे, ठीक है। फिर क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे विंड, बॉर्न डस्ट, यानी कि जो विंड जब हवा चलती है, ठीक, तो उसके अंदर जो भी डस्टे हैं, डस्ट है, ठीक है जी, गर्दा है, ठीक, वो भी क्या हो उसके साथ चले जाते हैं। फंगी है, ठीक है, जैसे जो काई लगी अगर हवा चली, ठीक, तो वो क्या हो उसके साथ निकल जाएंगे। मोल्ड्स हो गए, ठीक है, जैसे छोटे छोटे जो कीचड़स होते हैं वो भी क्या होते हैं उसके साथ मिल जाते हैं, ठीक। बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज तो वैसे ही ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, यानी कि जैसे कोई न्यूक्लियर बम गिरा दिया, कोई बम विस्फोट कर दिया, ठीक है, ये सबसे क्या हो, जो भी धुआं निकलती है, जो भी चीज होती है, वो क्या करती है, हमारे एयर को क्या करती है, पॉल्यूट करती ही करती है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मिसलेनियस हो गया, ठीक है, अदर चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे अब आपको बाद में मेजर पॉल्यूटेंट, यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर और ग्राउंड लेवल ओजोन। जो ओजोन हमारे ग्राउंड के एकदम लेवल में होती है वो, ठीक, ये बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना।